नमस्कार साथियों, तो मौजूद हुए हैं आपके समक्ष हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए नॉनस्टॉप ताज़ा खबरों के सिलसिले को। हिमाचल में दो दिन भारी बारिश का अलर्ट, जल्द दस्तक दे सकता है मानसून। हिमाचल प्रदेश में चार दिनों तक मौसम खराब रहने के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार प्रदेश में 28 जून से 1 जुलाई तक बारिश व कई भागों में अंधड़ चलने की संभावना है। 28 जून को कई भागों में बारिश के अलावा अंधड़ का चलने का येलो अलर्ट जारी किया गया है, जबकि 29 और 30 जून को भारी बारिश अंधड़ चलने का अलर्ट है। इसके अलावा 1 जुलाई को भी बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना जताई गई है। इस फिल्म से बॉलीवुड में पदार्पण करेंगी हिमाचल की जागृति ठाकुर। हिमाचल प्रदेश के सुंदरनगर के नौलखा की अभिनेत्री जागृति ठाकुर बॉलीवुड में पदार्पण करने जा रही हैं। इनकी फिल्म 48 कोस 8 जुलाई को रिलीज होगी। फिल्म में जागृति ठाकुर ने पुलिस अधीक्षक की भूमिका अदा की है। वहीं फिल्म की पटकथा धर्मनगरी कुरुक्षेत्र और 48 कोस की परिक्रमा को केंद्र कर लिखी गई है। वहीं आपको बता दें कि जागृति ठाकुर पंजाब फिल्म इंडस्ट्री में जाना माना नाम है। वो चंडीगढ़ में प्रोडक्शन हाउस भी चला रही हैं। इसके अलावा जागृति 2016 में मिस हिमालय इंटरनेशनल, 2018 में मिस राइजिंग इंडिया और मिस राइजिंग एशिया का ताज भी जीत चुकी हैं। लड़ाकू विमान राफेल को उड़ाएंगे हिमाचल के अनिरुद्ध, वायुसेना अकादमी से पूरा किया प्रशिक्षण। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के सरका घाट की शुलपुर बही पंचायत के खरसल गांव निवासी अनिरुद्ध शर्मा भारतीय वायुसेना में फाइटर प्लेन राफेल को उड़ाएंगे। अनिरुद्ध शर्मा की जमा दो तक की पढ़ाई गाजियाबाद के जयपुरिया पब्लिक स्कूल से हुई है। वहीं 12वीं कक्षा की परीक्षा में वो पूरे उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान पर रहे। इसके बाद इन्होंने भारतीय सेना में जाने के लिए एनडीए की परीक्षा पहले ही प्रयास में पास की। अनिरुद्ध ने सेना अकादमी खड़गवासला पूना में 3 वर्षीय सैन्य कोर्स और डिग्री हासिल की। 40,000 में बनाई ई बाइक, एक बार चार्ज करने पर चलेगी 40 से 50 किलोमीटर। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान IIIT ऊना की PD प्रोडक्ट डेवलपमेंट लैब में 5 गियर वाली ई बाइक तैयार की गई है। खास बात है कि मात्र 90 मिनट में चार्ज कर बैटरी संचालित इस ई बाइक को 40 से 50 किलोमीटर चलाया जा सकता है। इस बाइक को लगातार स्तरोन्नत कर कई फीचर प्रशिक्षुओं की ओर से जोड़े जा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि इस लैब में नए प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है। आधारभूत ढांचे के बाद इसमें प्रशिक्षु अपनी प्रतिभा के अनुसार प्रयोग कर रहे हैं। हाल ही में PD लैब में ई बाइक तैयार की गई है। इस ई बाइक के लिए स्थानीय स्तर पर ही सारा सामान खरीदा गया। शांता कुमार बोले, नशे के प्रकोप में उड़ता पंजाब से आगे पहुंच गया है हिमाचल, इस नशे को बताया सबसे घातक। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने कहा कि नशे के प्रकोप में हिमाचल प्रदेश उड़ते पंजाब से भी बहुत आगे पहुंच गया है। कुल्लू जिला में 1 महीने में 3री रेप पार्टी पकड़ी गई है। इससे पहले कसोल में रात के समय रेप पार्टी में 80 युवक युवतियां चर्स, कोकीन और गांजे समेत पकड़े गए। अब पार्वती घाटी में इस प्रकार की रेप पार्टी पकड़ी गई है। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले करसोग में एक समाचार छपा था, जिसके अनुसार 13 वर्ष की एक छात्रा चर्च के नशे में स्कूल पहुंच गई। 8वीं कक्षा की इस छात्रा ने बताया कि वो शराब भी पीती है। स्कूल के और भी बहुत से बच्चे शराब और नशे की लत में फंस गए हैं। कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक ने ऋण योजनाओं की ब्याज दरों को घटाया, ग्राहकों को राहत। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक अपने ग्राहकों के लिए मानसून की नई सौगात लेकर आया है। महंगाई से लड़ते हुए जहां रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और अन्य बैंक विभिन्न ऋणों की ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर रहे हैं, वहीं अपने ग्राहकों को बेहतरीन उपहार देते हुए कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक ने लगभग सभी तरह की ऋण योजनाओं पर 0.25 से 2% तक ब्याज दरों में कटौती की है।
हिमाचल में कोरोना के 94 नए मामले, सरकार ने सैंपलिंग बढ़ाई। हिमाचल प्रदेश में कोरोना के मरीजों की संख्या फिर से बढ़ती जा रही है। पिछले कल 94 लोगों के कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं 1892 लोगों के सैंपल जांच के लिए लिए गए थे। प्रदेश में कोरोना सक्रिय मरीजों का आंकड़ा 367 पहुंच गया है। वहीं हमीरपुर में 35, मंडी और शिमला में 12-12, लाहौल स्पीति 10, चंबा 8, हमीरपुर, किन्नौर, ऊना और सिरमौर में 3-3, बिलासपुर और कुल्लू में 2-2 और सोलन में एक नया मामला आया है। पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में हिमाचल के कर्मचारियों की नहीं मिली संलिप्तता। पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में हिमाचल प्रदेश के किसी कर्मचारी की संलिप्तता नहीं पाई गई है। अभी तक की जांच में बाहरी राज्यों के सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों की मिलीभगत ही सामने आई है। विभिन्न राज्यों के रेलवे, सरकारी विभागों के इंजीनियर और इनकम टैक्स विभाग के कर्मचारी पेपर लीक गैंग से मिले होते हैं। वे प्रिंटिंग प्रेस से भी जुड़े होते हैं। पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि सरगना पेपर लीक करवाने के बाद समय कम होने के कारण कोचिंग सेंटर संचालकों को पकड़ते हैं। वहीं इन्हें पता होता है कि आज पेपर होता है, परीक्षा से 1-2 दिन पहले अभ्यर्थियों को पेपर दिया जाता है। 2023 से HS की परीक्षा में परखेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस IT का ज्ञान। हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा HS परीक्षा में वर्ष 2023 से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस IT और कंप्यूटर का ज्ञान भी परखा जाएगा। राज्य लोक सेवा आयोग UPSC संघ लोक सेवा आयोग की तर्ज पर सिलेबस में बदलाव करने में जुट गया है। वहीं राज्य लोक सेवा आयोग बदलाव के लिए विषय विशेषज्ञों से राय ले रहा है। ऐसे विषयों को भी भर्ती परीक्षा से हटाने की तैयारी है, जिनकी महत्ता अब कम हो गई है। बीते कई वर्षों से HS परीक्षा के पैटर्न में कोई बदलाव नहीं किया गया है। शिमला के मशोबरा ब्लॉक में मल्टीटास्क वर्करों का परिणाम घोषित। शिमला जिले के मशोबरा शिक्षा ब्लॉक के प्राइमरी और मिडिल स्कूलों के लिए 46 अंशकालिक मल्टीटास्क वर्करों का परिणाम पिछले कल घोषित कर दिया गया है। खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी मशोबरा बसंती देवी ने बताया कि 46 पदों के लिए 314 लोगों ने आवेदन किया था। हिमाचल विश्वविद्यालय ने PG कोर्स में ऑनलाइन आवेदन के लिए तिथि बढ़ाई। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने मेरिट आधारित प्रवेश वाले स्नातकोत्तर डिग्री कोर्स में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि को 30 जून तक बढ़ा दिया है। प्रमोशन के साथ बड़ी पगार, हक के लिए आंदोलन को तैयार। हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल पथ परिवहन निगम के 1.5 दर्जन से अधिक कंडक्टरों को पदोन्नति का तोहफा दिया है। निगम के 22 कंडक्टरों को सब इंस्पेक्टर पद पर प्रमोट किया गया है। पदोन्नति सब इंस्पेक्टर में आधे कंडक्टर वर्तमान डिपो में ही जहां प्रमोशन मिली है, तो वहीं आधे कंडक्टरों को पदोन्नति के साथ दूसरे डिपो में ट्रांसफर भी किया गया है। पदोन्नत कर्मचारियों को 10 दिनों के अंदर निर्धारित डिपो में ज्वाइनिंग देनी होगी। अगर किसी कर्मचारी ने समय पर संबंधित डिपो में ज्वाइनिंग नहीं दी तो उनकी पदोन्नति रद्द करके दूसरे कर्मचारी को पदोन्नत किया जाएगा। वहीं निगम ने इसकी नोटिफिकेशन पिछले कल जारी की है। तो ये हैं आज सुबह के मुख्य समाचार। तो ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।